हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले रिलायंस पावर लिमिटेड, इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 10 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल चार्ट पे चलें तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाएगा, जहां पर पीछे के 1 हफ्ते में से स्टॉक में 7.5% की गिरावट देखने को मिली है और 1 महीने के इसे अंदर इस स्टॉक में अराउंड 22% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं कि इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 24 रुपए 80 पैसे का। 24 रुपए 80 पैसे का इस स्टॉक में एक हाई बॉटम बनने के बाद ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार इस स्टॉक में नीचे एक गिरावट देखने को मिली है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो अराउंड 9 रुपए की एक बड़ी स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 13 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो अराउंड 9 रुपए 60 पैसे की एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 10 रुपए 20 पैसे तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ये काफी पैनी स्टॉक है, इसलिए अगर आप इस स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, क्योंकि अगर इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो आपको काफी नुकसान होता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।